तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। नीतू हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी साइंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। सो नीतू हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी साइंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन दिया हुआ है नीतू हैव बीन, सेकेंड नीतू इन द मॉर्निंग, थर्ड ऑप्शन इज साइंस 10 o'clock, फोर्थ ऑप्शन वेटिंग फॉर मी। तो देखिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है, देखिए नीतू हैव बीन, तो नीतू क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। नीतू क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज़ बीन यूज होगा, न कि हैव बीन यूज होगा, क्योंकि हमें पता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगल वर्ब का यूज होता है। नीतू हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी साइंस 10 o'clock। देखिए हमें पता है साइंस और फोर का प्रयोग जहाँ भी सेंटेंस में होता है एज ए कंजक्शन के रूप में, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो नीतू हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी साइंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस सही होगा। तो एरर यही है कि नीतू हैज़ बीन आएगा, न कि हैव बीन, क्योंकि नीतू सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का यूज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस, हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। हमें बता रहा है जो अंडर, जो अंडरलाइन जो वर्ड है, इसको कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है, उसका कौन सा एंटोनिम्स होगा। तो हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस, तो हमें अंडर द फेंस नहीं, तो अंडर का जो एंटोनिम्स होगा वो ओवर ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर द फेंस। हर डॉग कैन क्लाइंब ओवर द फेंस, हमें पता है अंडर यानी नीचे होता है, ओवर यानी ऊपर होता है, तो इसका ओवर हो जाएगा। सिंक यानी होता है डूबना, बिनिट बिहाइंड यानी होता है पीछे, और बीनीथ यानी होता है नीचे, तो इसमें ओवर ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से हमें जो इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड्स का पता लगाना है। बेसिकली हमें चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से पता करना है कौन सा गलत वर्ड है। तो जैसे कि ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ग्लिटरिंग, इसमें रॉन्ग वर्ड है। तो ग्लिटरिंग रॉन्ग वर्ड कैसे है, जो ग्लिटरिंग की स्पेलिंग होगी वो होगी GLITTERING होगी, ठीक है। इसमें डबल टी आएगा और डबल आर नहीं आएगा, सिंगल आर आएगा, तो GLITTERING होगी ग्लिटरिंग की जो स्पेलिंग होगी वो। तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। बाकी बेगर्स की स्पेलिंग सही है, बेगर्स मीन्स भिखारी होते हैं, ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमचमाना, चमकता हुआ, या प्रभावशाली या सफल भी इसका अर्थ होता है। अप्रेंटिस की स्पेलिंग भी सही है, और असाइंड ये भी स्पेलिंग सही है। तो फोर पार्ट में एरर है, डबल टी और सिंगल आर आएगा इसमें ग्लिटरिंग के अंदर। तो चलिए फ्रेंड अगला हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपुल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका आंसर एक है एरोगेंट। तो इसका आंसर एरोगेंट क्यों है, देखिए सर्वाइल का मीन्स होता है दास्ता, गुलामी करना, या फिर बहुत ही ज़्यादा विनम्र होना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो एरोगेंट ही होगा, घमंडी होना। तो सर्वाइल मीन्स होता है विनम्र, हम्बल होना, एरोगेंट मीन्स घमंडी होना। बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, देखिए सिपिस का मतलब होता है नीच व्यक्ति, बेकार व्यक्ति होना। बिकरिंग मतलब होता है व्यर्थ की बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। और कनिंग का अर्थ भी होता है धूर्त व्यक्ति। तो इसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो एरोगेंट ही होगा, क्योंकि सर्वाइल मीन्स हम्बल, एरोगेंट मीन्स। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। ए थिंग फिट टू ईट, यानी
एक चीज़ जो खाने के लिए उचित है उसके लिए कौन सा एक वन वर्ड होगा हम यूज करेंगे? तो इलिजिबल होगा नहीं, इलिजिबल मीन्स होता है योग्य, डाइजेस्टिबल भी होगा नहीं मतलब पचाने योग्य, क्यूरेबल भी मीन्स भी नहीं होगा, क्यूरेबल मीन्स होता है उपचार करने योग्य, इडिबिल होगा, इडिबिल मीन्स होता है खाने योग्य। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, बहुत सालों से आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। ए थिंग फिट टू ईट क्या होता है? इडिबल, खाने योग्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी हमें सिनोनिम्स का पता करना है इसके अंदर। सी हैड एन एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स, सी हैड एन एबिलिटी टू परस्यूड अदर्स, परस्यूड का मीन्स होता है राजी करना, मनाना दूसरे को, उसमें वह क्षमता है कि वह दूसरों को मना सकती थी, उसमें वह क्षमता है कि वह दूसरों को मना सकती थी। तो देखिए इसका जो सही इम्प्रेस होगा वो फोर आंसर होगा, इम्प्रेस करना, परस्यूड मीन्स राजी करना, मनाना या इम्प्रेस करना भी होता है। बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? देखिए हाल्ट मीन्स होता है रोकना किसी चीज़ को, तो होगा नहीं। सब सुप्रेस मीन्स दबाना होता है किसी चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा। आउटरेज मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा, तो ये भी सूट नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है, वो है इम्प्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर, इम्प्रेस।